फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पर शुरू से ही तबाही मचा रही थी, लेकिन दोस्तों आज अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों आज है नेशनल सिनेमा डे, जिससे दोस्तों सभी फिल्मों की जो प्राइस है वो दोस्तों 99 रुपये पर टिकट कर दी गई है, जिससे दोस्तों सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा जंप लगा रही है, जिसमें दोस्तों शाहरुख खान की मूवी जवान तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं दोस्तों अक्षय कुमार की मूवी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रही है। तो बात करेंगे दोनों मूवी की आज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को लेते शुरू, आप लोगों से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वहीं दोस्तों शाहरुख खान अक्षय कुमार को इंडिया का बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज के 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 8 दिन का समय हो चुका है। वहीं इस मूवी का बजट था 60 करोड़ रुपए। इस मूवी को टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनाया गया था। वहीं इस मूवी में दोस्तों अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा अहम किरदार में नजर आए थे। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 80 लाख रुपये की ओपनिंग की, जो दोस्तों काफ़ी कम ओपनिंग मानी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल दोस्तों 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाई की थी। इसी के साथ इस मूवी ने 7 दिनों में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज आज 8वें दिन नेशनल सिनेमा डे होने की वजह से दोस्तों काफ़ी तगड़ा जंप लगा रही है। मूवी दोस्तों आज अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है। ये मूवी दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से दोस्तों इस मूवी की 8 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21.5 करोड़ हो जाएगा। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने दोस्तों 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों अभी भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई है। दोस्तों अभी तक के कलेक्शन के हिसाब से अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हो चुकी है। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी जवान, जिसे बॉक्स ऑफिस पर आज तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आज दोस्तों ये मूवी फिर से रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जवान मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अभी तक 37 दिन का समय हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें इस मूवी में तो इस मूवी एटली कुमार के डायरेक्शन बनाया गया था। इस मूवी का बजट था 250 करोड़। वहीं इस मूवी में शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा अहम किरदार में नजर आए थे। इस मूवी में दीपिका पाडुकोण का भी दोस्तों जबरदस्त कैमियो देखने को मिला था। बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो दोस्तों जवान मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। इस मूवी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 129.60 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी के साथ दोस्तों जवान मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 368.28 करोड़ रुपये कमाए थे। इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 660 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। बात करें दोस्तों जवान मूवी के शुरुआती 35 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जवान मूवी ने शुरुआती 7 हफ्तों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 627.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने कल 36वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। आज दोस्तों इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 37वां दिन है। वहीं दोस्तों आज इंडियन सिनेमा नेशनल डे, दोस्तों आज सिनेमा नेशनल डे होने की वजह से मूवी काफ़ी तगड़ा जंप लगा रही है। और दोस्तों आज की मूवी जो शो है दोस्तों 80 से 90% दोस्तों कई की जगह 50% शो हाउसफुल हो चुके हैं, जिससे दोस्तों ये मूवी आज 37वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। और इस मूवी के दोस्तों 37 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 634 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1130 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक के कलेक्शन के हिसाब से शाहरुख खान की मूवी जवान मार रही है बॉक्स ऑफिस बाजी। वहीं दोस्तों आज के कलेक्शन के हिसाब से भी शाहरुख खान की मूवी जवान मार रही है बॉक्स ऑफिस बाजी। शाहरुख खान बने इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार। वहीं दोस्तों आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका सबसे फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।